नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों में से 8वां स्वरूप मां महागौरी का है, जो देवों के देव महादेव भगवान शंकर की अर्धांगिनी मां पार्वती का ही असल स्वरूप है। मां दुर्गा के स्वरूप का पूजन करने से मां भक्तों के दुख और पापों का नाश करती है। आइए आज आपको मां महागौरी के इस पावन रूप के अवतरित होने के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करें। माता के अवतरित होने की कथा। मां महागौरी के अवतरित होने के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार मां महागौरी ने देवी पार्वती रूप में देवों के देव भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। एक बार भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी का मन आहत हो जाता है। तब माता पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन पार्वती जी के वापस ना आने पर भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। पार्वती जी को देखकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई देती है। उनके वस्त्रों और आभूषणों से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वरण का वरदान देते हैं। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे इनका शरीर काला पड़ने लग जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं। तब से ही उनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी के इस रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। देवी के स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगणों ने यह श्लोक, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वास साधिके हिरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते उच्चारण किया है। माता का स्वरूप। माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। माँ की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। माता के समस्त वस्त्र व आभूषण श्वेत हैं। माँ महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा, जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह लगातार कमजोर होता गया। देवी जब अपने तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। तब माँ ने उसे अपनी सवारी के रूप में ले लिया, क्योंकि सिंह ने भी उनके समान ही तपस्या की थी। इसलिए माँ महागौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही माने जाते हैं। 4 भुजाओं वाली माँ महागौरी का वाहन वृषभ है। माता के ऊपर का दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले दायें हाथ में माता ने त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बायां हाथ वर मुद्रा में है। माता की पूजन विधि। अष्टमी के दिन महिलाओं को अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए देवी माँ महागौरी को चुनरी भेंट करनी चाहिए। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी है। माँ महागौरी की पूजा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों के माँ महागौरी सभी कष्ट दूर करती है। माता की इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे देवी माँ, सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे देवी माँ, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। तो दोस्तों, यह थी माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति माँ महागौरी के पूजन की विधि से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।